अयोध्या फतेहपुर शहीद दिवस पर केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने बावनी इंग्लिश स्मारक पहुंचकर 52 क्रांतिकारियों को दी श्रद्धांजलि। एंकर केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने खजुआ कस्बे के निकट पारादान स्थित बावनी इंग्लिश शहीद स्मारक में पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके बलिदान को याद किया। इस दौरान उनके साथ जहानाबाद विधायक राजेंद्र सिंह पटेल समेत बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। वैसे तो राष्ट्रीय स्तर पर शहीद दिवस 23 मार्च को क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत की याद में मनाया जाता है, लेकिन जनपद फतेहपुर में 28 अप्रैल को भी 52 क्रांतिकारियों की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है। साध्वी निरंजन ज्योति ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पूरा देश अमृत महोत्सव धूमधाम से मना रहा है। अमृत महोत्सव मनाने का अवसर ऐसे ही महापुरुषों ने दिया है जिन्होंने देश की आजादी के लिए फांसी के फंदे पर झूले, और फतेहपुर का एक गौरव भी है कि ऐसे भी महापुरुष रहे हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर देश के दुश्मनों से डटकर मुकाबला किया और हंसते हंसते फांसी के फंदे को झूल गए। देश के प्रधानमंत्री ने ऐसे ही 75 जनपदों के महापुरुषों को खोज करके जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उन जिलों में 9 मंत्रालयों के सहयोग से 90 दिनों में तैयार मानक पर पूरा काम पूरा किया जाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव में जहाँ पूरा देश अमृत महोत्सव धूमधाम से मना रहा है, ये अमृत महोत्सव मनाने का अवसर ऐसे ही महापुरुषों ने दिया है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए फांसी के फंदे झूले, और फतेहपुर का एक गौरव भी है कि ऐसे भी हमारे जनपद में रहे हैं जिन्होंने जान की परवाह किए बगैर देश के दुश्मनों से डट करके मुकाबला किया और हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चूमे, और ये सबसे बड़ा घृणित कार्य था जिसको 31 दिन तक फांसी के फंदे पर लटका के रखना, घर वालों को उतारने न देना, और एक बड़ी बहुत दुखद कहानी है, लेकिन उस दुखद कहानी के साथ साथ एक सुखद क्षण भी है कि पहली बार भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ऐसे ही महापुरुषों को खोज करके कि जिन्होंने देश के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी है, देश के लिए कुर्बानियाँ दी है, कहीं भी है, आदिवासी है, गिरवासी है, कहीं भी है, उन लोगों के पास पहुंच करके, और अभी आज ही पूरे देश में 75 जनपदों को चयनित किया गया है जिसमें जिन्होंने लड़ाई लड़ी है और अपने आप को बलिदान किया, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में बलिया और आपका शाहजहाँपुर, गाजियाबाद, 3 जनपद यहाँ चयनित हुए हैं जिनमें 90 दिन में उन जनपदों में पूरा काम करना है। हमारा जनपद तो वैसे भी महत्वाकांक्षी जिला है तो माननीय प्रधानमंत्री जी उसको खुद ही देख रहे हैं, लेकिन ये मंगल पांडे जी और उल्ला खां जी का और वीर सिंह करके कोई एक और हुए हैं जो हमारे उद्घाटन, और 15 अगस्त को हर साल उस अमृत सरोवर के पास ध्वजारोहण भी होगा, और वो एक तालाब नहीं होगा, एक आज़ादी के दीवानों की स्मृति में होगा। जैसे आप सोहनलाल द्विवेदी जी के गांव में जाएंगे, कभी वो बना होगा तालाब, आज भी अक्षुण है, उसके लिए भी मैंने लिखा है कि इसको सुंदरीकरण कर